नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए गाइस, सबसे पहले गाइस हमको क्या करना होगा, इस हमको चलना है सेटिंग्स के अंदर, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे करते हैं। तो सेटिंग्स के अंदर आने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटिंग्स की लास्ट में आप आएंगे तो स्प्लिट स्क्रीन का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जब गाइस आप इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट स्क्रीन, मतलब कि आप 3 फिंगर से स्वाइप अप करेंगे स्प्लिट स्क्रीन आपकी ऑन हो जाएगी। चलिए मैं आपको क्लिक करके बताता हूँ स्प्लिट स्क्रीन को नहीं, आपको स्वाइप अप विद 3 फिंगर टू इनेबल स्प्लिट। ठीक है गाइस, अगर आपकी सेटिंग बाई का मतलब बाई चांस चेंज हो जाती है तो आप ये कर सकते हैं, बट मेरे को पता नहीं है कि आज मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ से हम क्रोम के अंदर हैं और मेरे को यहाँ पे इसको मतलब डुअल स्क्रीन करना है, तो मैं यहाँ से स्वाइप अप करूँगा 3 फिंगर के साथ। स्वाइप अप करने पे यहाँ की आप देखेंगे तो आपकी डिस्प्ले यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइस क्यों नहीं हो रही, चलिए अभी हम देखते हैं। एक बार हम सेटिंग्स के अंदर आते हैं और यहाँ पे गाइस हम 3 फिंगर स्वाइप अप करेंगे। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे 3 फिंगर स्वाइप अप कर दिया है। अब गाइस यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ क्रोम को, तो मैंने यहाँ पे क्रोम पे टच करा। ओके गाइस, तो क्रोम पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब गाइस आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से हम गूगल यूज़ कर सकते हैं, पता नहीं क्या सर्च में आ गया और मैंने सर्च कर दिया। ठीक है गाइस, यहाँ से हम गूगल यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा गूगल यूज़ हो गया, ओपन हो गया, चल रहा है ये। ठीक है गाइस, और यहाँ पे हम अपनी सेटिंग्स को ओपन करते हैं, मतलब कि हम डुअल स्क्रीन का इस्तेमाल कर पाएंगे काफ़ी इजी तरीके से, आप देख सकते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको ये डुअल स्क्रीन वाला फीचर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे भी किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।